अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक था कैपेसिटर। और कैपेसिटर बेसिकली हमारे पास के एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोर करता है, और एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा, और एनर्जी स्टोर किस जगह पे करता है, प्लेट्स पे करता है या बिटवीन द प्लेट्स? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स में एनर्जी स्टोर करेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्यू का वी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ख़त्म कर लें, इसमें क्यू इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से सी अलग कर लें क्यू बाई वी, अगर कोई कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे विद इन, उसको वोल्टेज कितनी मिल रही है? 1 वोल्ट। उसकी प्लेट्स में वोल्टेज 1 वोल्ट हो, चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 फेरेड होगी। अच्छा, ये लार्ज यूनिट है फेरेड, फेरेड लार्ज यूनिट है, तो नॉर्मली हम फिर कौन सी यूनिट को प्रेफर करते हैं? कैपेसिटेंस की जो यूनिट हम यूज़ करते हैं ना, वो माइक्रो में यूज़ करते हैं या नैनो में यूज़ करते हैं या पीको में यूज़ करते हैं? ये वैल्यूज यूज़ करते हैं इसकी, ठीक है। नॉर्मल रूटीन में तो हम यही करते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखें अगर हम क्वेश्चन देखें इसके क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है कि इफ इट डबल द वैल्यू ऑफ चार्ज, इफ वी डबल द वैल्यू ऑफ चार्ज, अगर चार्ज की वैल्यू को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम क्यों होगी? वोल्टेज और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है। देखे इसके बीच में आपने क्या लगाया, कॉन्स्टेंट्स, ये इनके बीच में कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इन पे डिपेंड नहीं करेगा कम से कम, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप चार्ज को डबल करेंगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, तो सी क्या रहेगा, सी सेम रहेगा, नंबर एक। दूसरा, ये वो फिर ये कहते हैं कि अगर वोल्टेज डबल हो गई है तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे? क्यू बाई वी है ना, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे, चार्ज डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। असल में कैपेसिटेंस इन पे डिपेंड नहीं करती, हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो किसी सिचुएशन में, सम टाइम होता भी ऐसा कि हम कहते हैं नहीं कि चार्ज डबल हुआ, बाय कीपिंग द वोल्टेज सेम, अब तो मैंने कंडीशन लगा दी है ना। फिजिक्स में आपको पता है कि जब कंडीशंस लगती हैं तो आंसर फिर चेंज होते हैं, फिर वो वही रूटीन का आंसर नहीं देंगे आप। अब जब मेंशन नहीं होता ना कि नहीं चार्ज डबल हुआ तो फिर वोल्टेज डबल होगी, मेंशन नहीं है ना, तो मेंशन नहीं है तो क्या रिलेशन होता है क्यू का और वी का? चार्ज डबल हुआ, वोल्टेज डबल है, या वोल्टेज डबल है तो चार्ज डबल है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, वो 2-2 से कैंसिल हो जाता है, मेंशन नहीं है। लेकिन जब मेंशन कर दे कि जी चार्ज डबल हुआ और वोल्टेज क्या है, सेम, अब कंडीशन लगा दी ना हमने इसके ऊपर, अब आंसर क्या होगा? अब आप देखें जी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अब अगर आप चार्ज डबल करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अब मैंने खुद कहा आपको कि ये कांस्टेंट है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, डबल। अब रिलेशन है, बाय कीपिंग द वोल्टेज सेम, चार्ज का सी के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट हो जाएगा सेम। अगर कंडीशन लग जाए तो हम इसको वोल्टेज से भी रिलेट कर सकते हैं। फर्ज करें कि जब हम कहते हैं कि चार्ज सेम है, बाय कीपिंग द चार्ज सेम, वोल्टेज अगर डबल हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगी? हाँ जी, अब सी का वी के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स होगा। तो ये कंडीशंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, वरना आंसर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर तो कोई कंडीशन नहीं गिवन तो फिर तो रूटीन में आपने आंसर देना है, ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा है कि सीधे क्वेश्चन को सीधे ही रहने दिया करें, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं शो करना है कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, ठीक है। सिंपल उसको रीड करें, अगर सिंपल स्टेटमेंट है सिंपल आंसर कर दें उसका,
अगर कोई कंडीशन गिवन है तो फिर आप एफिशिएंसी लगाएंगे उसमें कि जी क्या हो सकता है, डायरेक्ट होगा, इन्वर्स होगा, फिर आपने उसको देखना है। अगर कैपेसिटेंस इन पे डिपेंड नहीं करती तो फिर डिपेंड किस पे करती है? हाँ, इन पे डिपेंड नहीं करती, फिर डिपेंड किस पे करती है? वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, एरिया, डिस्टेंस, मीडियम, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, तो अब आते हैं उसके फॉर्मूले की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिसमें सारी चीज़ें कवर हो। बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी यही पैरेलल प्लेट ही है। हम लोग क्या करते हैं जी, कि फॉर्मूला बताते हैं जी, ए ई नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये फॉर्मूला किस लिए होता है? वैक्यूम के लिए। एरिया से डायरेक्ट है, डिस्टेंस से इनवर्स हो गया। ठीक है, और मीडियम के लिए हम बताते हैं जी, ए ई नॉट ई आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये किसके लिए हो गया? वैक्यूम के लिए। तो ये सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम एप्सिलोन आर, ये इक्वेशन आ जाएगी। मीडियम के एप्सिलोन आर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि एप्सिलोन आर अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी? वो इंक्रीज करेगी। ये हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मीडियम डालें और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाए। तो रूटीन यही है कि जब आप मीडियम ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज कर देती है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जी कि वो कहते हैं जी मेटल ऐड करें फिर क्या होगा। फर्स्ट करें कि मीडियम आप ऐड कर रहे हो और मीडियम आपने पूरा ऐड नहीं किया, उसमें वो आधा मीडियम ऐड किया, यानी आधी थिकनेस के साथ ऐड किया, वो ही चीज़ें इसमें नहीं आती। इसमें जब आप मीडियम ऐड करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कह दें? डी कह दें। और आपने जो मीडियम इसके अंदर ऐड किया है वो मीडियम की थिकनेस कितनी ऐड की है? जो हमारी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो पूरी थिकनेस के साथ है, यानी कि ये मीडियम आपने ऐड किया ना बीच में। ठीक है, तो इस मीडियम की थिकनेस और ये डी दोनों क्या हुए? सेम हो गए। तो ये फॉर्मूला उसके लिए सिंपल जो केस है, यानी नॉर्मली क्या होता है जब हम कहते हैं इफ़ वी ऐड द मीडियम, तो मीडियम की थिकनेस कितनी होती? जितना प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला असल में क्या है इसका वो देखते हैं। कैपेसिटेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सी ए ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। टी क्या चीज है? थिकनेस। और डी क्या है? डिस्टेंस है। इसमें डी इसमें क्या है? डिस्टेंस है। अब फर्ज करें कि ये मैंने अभी कहा कि आपने जो इसमें मीडियम ऐड किया है उस मीडियम की जो थिकनेस है वो डिस्टेंस के ही बराबर है, बनाए ज़रा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला, ये मीडियम मैंने ये डायलैक्ट्रिक ऐड किया है, यानी कोई इंसुलेटर ऐड किया है, डायलैक्ट्रिक ऐड किया है। मैंने कहा ना असल फार्मूला ये है, हमें वो पढ़ाया जाता है ना जो किताब में लिखा हुआ है सिंपल सा। ठीक है, तो हमें इंटी टेस्ट को देखना होता है तो फिर हम कहते हैं यार कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो सारी चीज़ों को कवर करे। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? इस वक्त जो मैंने मीडियम ऐड किया है बाय डिफ़ॉल्ट वो मीडियम की थिकनेस उतनी लेनी है जितना प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा? डी और टी बराबर हो गए, टी की जगह डी लिखते जाए, ए ई नॉट डी माइनस डी डी एप्सिलॉन आर, ये डी क्या हुआ? ये ई आर कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। यही फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है मीडियम के साथ, ये हमें डायरेक्ट बता दिया जाता है असल में। ठीक है, तो डी क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स है, और एप्सिलॉन आर क्या है? मीडियम की वैल्यू होगी डायलैक्ट्रिक। अब फर्ज करें कि अक्सर ये पूछा जाता है कि जी मेटल को ऐड करें तो क्या होगा? मेटल आपने ऐड किया, थिकनेस नहीं बताई, क्या समझेंगे हम लोग?
थिकनेस नहीं बताई तो समझेंगे कि जितना डिस्टेंस था प्लेट्स में उतनी थिकनेस है, मुकम्मल मेटल ऐड हो गया। बताएं कैपेसिटेंस क्या है। मेटल आपने ऐड किया ना, फॉर्मूला क्या है जी इसका? मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लेते हैं? इन्फिनिटी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा आंसर बताएं मुझे, इन्फिनिटी आएगा ना? तो जब आप मेटल ऐड करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या आएगी? वो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं इसे। अच्छा, अब अगर आपने मेटल ऐड किया और मेटल पूरा ऐड नहीं किया उसमें, उसकी थिकनेस जो है वो हाफ है, ठीक है। लेट्स से आप मेटल ऐड करते हैं, यही क्वेश्चन है, लेकिन जो मेटल की थिकनेस है वो डिस्टेंस के क्या है? हाफ। अब बताएं कैपेसिटेंस क्या होगी। अगर नहीं पता होगा तो आप अभी भी इन्फिनिटी बोल देंगे, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले में तो कहीं थिकनेस है ही नहीं मेटल की। आप कहेंगे ई आर इन्फिनिटी है, सी इन्फिनिटी हो गया। अब चेक करें, अब बताएं आंसर क्या होगा। डबल इन्फिनिटी तो कोई नहीं होती, इन्फिनिटी होती है। ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बताएं, अब भी इन्फिनिटी होगा। सिचुएशन में आपको बताता हूँ, देखें ये है ना, प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपने मेटल ऐड किया, इतना ये मेटल ऐड किया, ठीक हो गया। आप देखें ये टोटल थिकनेस थी ना डी, सॉरी डिस्टेंस था डी, थिकनेस है टी। तो अब आप देखें ए ई नॉट ई आर फॉर्मूला क्या था? डी माइनस टी, टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये तो हो गया इन्फिनिटी, नीचे मेटल है ना, ई आर की वैल्यू क्या हुई? इन्फिनिटी। टी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हुआ? जीरो। क्या बचा हमारे पास? डी माइनस टी बच गया, डी माइनस टी बच गया। तो डी माइनस टी बचा ए ई नॉट ई आर, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? डी बाई टू पुट कर ले, डी में से डी बाई टू निकाल ले, डी बाई टू ही आएगा। ये टू कहाँ गया? ऊपर। तो पहले वाला जो फॉर्मूला था, ओरिजिनल फॉर्मूला, वो रिकवर हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो गई? डबल हो जाएगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। इन्फिनिटी कब होगी? इन्फिनिटी कब होगी? जब आप मेटल पूरा ऐड कर देंगे तब होगी। और वैसे अगर सवाल आ जाए ना, सिंपल क्वेश्चन हो, तो क्या करना? इफ वी ऐड मेटल, अगर मेटल ऐड करें तो कैपेसिटेंस क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब होता है कि कंप्लीट ऐड किया हुआ है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर थिकनेस बता रहा है तो फिर आप थिकनेस को भी इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर, तो फिर आंसर कुछ और आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये कि मेटल ऐड करने से क्या होगा, ठीक है। मेटल की हमने वैल्यू क्या पुट कर दी है इसमें? इन्फिनिटी पुट कर दी है। अब अगर आपको वो कहता है जी कि मेटल की थिकनेस जो है वो डी बाई फोर है, मेटल ही ऐड किया, बताएं कैपेसिटेंस क्या होगी? डी। अब सॉल्व करें डी, कहां पे? ये डी बाई टू था ना सर, टी की वैल्यू डी बाई टू पुट की है। ये पूछ रहे डी बाई टू कहां से है? रिलेटिव परमिटिविटी, वो एक्चुअली इसमें इनफाइनाइट हो गया था ना, मैंने शायद वो स्टेप यहां पे लिखा नहीं, ठीक है। ये नहीं है ऊपर, सही कह रहे हैं, एप्सिलॉन आर नहीं है ऊपर। ये फिर कौन सी कैपेसिटेंस है? विद वैक्यूम है ना, ठीक है, वो ई आर नहीं आएगा, गलती से लिखा गया ऊपर, उसको मैंने खत्म कर दिया था ना पीछे। नहीं नहीं ठीक है, अभी कन्फ्यूजन ठीक है, वो मैंने गलती से ऊपर लिखा है। फॉर्मूला था ए ई नॉट डिवाइडेड बाय क्या था? डी माइनस टी, टी डिवाइडेड बाय, वो यही खत्म हो गया था, वो गलती से लिखा गया, ऊपर नहीं आएगा वो, ठीक कह रहे हैं। अब बताएं नेक्स्ट क्या आंसर होगा? ये डी बाई टी की जगह क्या रहेगा?
ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो. क्यों जीरो होगा? नीचे इन्फिनिटी, टी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो गया? जीरो हो गया. अब क्या करना है? यहां में क्या लिखना है? डी बाई फोर लिखना है. ठीक है ना? तो डी में से डी बाई फोर निकाल लें. ये मैंने थिकनेस आपको दी हुई है. क्या आएगा? थ्री डी बाई फोर आएगा. फोर ऊपर शिफ्ट कर लें, फोर बाई थ्री. पुराना फॉर्मूला वापस आ गया. तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगी फोर बाई थ्री सी. ठीक है, वो एप्सिलॉन आर गलती से लिखा गया था, दोबारा वैसे ही लिख दिया मैंने, वो आप मिटा दें उसको. ठीक है, क्योंकि जब आपने मेटल ऐड कर दिया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है उसका. नेक्स्ट आप देखें, कैपेसिटेंस के जो बाकी फॉर्मूले हैं, कॉम्बिनेशंस के, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो आप उनको कैसे पिक करेंगे? पहली बात तो ये कि ये कैसे पता चलेगा कि सीरीज में लगे हुए हैं? बहुत सारे हिंट्स होते हैं बीच में, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये सीरीज में. जैसे सीरीज में इनके अटैच होने की पहचान ये है कि लिखा हो वन एंड कनेक्टेड, यानी कैपेसिटर्स का एक एक एंड कनेक्टेड है, तो वो सीरीज की पहचान होगी. ठीक है, फिर सीरीज में याद रखें ये भी हो सकता है एंड टू एंड कनेक्टेड. एंड टू एंड कनेक्टेड, एंड से एंड जुड़ा हुआ है कैपेसिटर का. ठीक है, सीरीज की पहचान ये है कि चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा इसमें सीरीज के अंदर. सीरीज की पहचान ये है कि वोल्टेज डिवाइड होगी. ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें हिंट्स देंगे कि सीरीज में. सीरीज में याद रखें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस, एक तो ये बात है कि कैपेसिटेंस कम हो जाएगी. बास का तो वो कहते हैं तीन कैपेसिटर हैं, उनको हमने इस तरह से लगाया कि वो उनका आंसर मिनिमम हो गया. बताएं किस तरह लगाया होगा? उनको सीरीज में लगाना है, सीरीज में लगा के तो उनका आंसर निकालना है फिर, क्योंकि सीरीज में लगाने से ये रेसिप्रोकल ऐड होते हैं. रेसिप्रोकल किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे ना आप तो उसका आंसर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा. डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आंसर ज़्यादा होगा. ठीक है, एक ये पॉइंट यहीं से याद रखें कि सीरीज में लगाने से जो आंसर आता है वो स्मॉलर से भी स्मॉल आ जाएगा. ठीक है, जो आंसर आएगा वो स्मॉलर से भी स्मॉल आएगा. जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम आंसर आ जाएगा आपका. बास का ऐसा होता है कि फ़र्ज करें कि मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, एक टू है, थ्री है और फोर है. ठीक है, और मुझे मल्टीपल आंसर दिए हुए हैं, उनमें से एक आंसर ऐसा है जो वन है. वन क्या है आंसर? बाकी जितने आंसर है वो टू से ऊपर दिए हुए हैं. मुझे क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए उसे? मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि सबसे छोटे से छोटा आंसर आएगा. सबसे छोटा कैपेसिटर टू वाला था, तो मुझे पहले देखना चाहिए कि इनमें से कोई टू से कम है और बाकी टू से ज़्यादा है, तो फिर तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए मुझे. जो डायरेक्ट बता देना चाहिए कि यही इसका आंसर होगा, क्योंकि वही निकल सकता है इसका आंसर. ठीक है, अगर टू से नीचे ज़्यादा ऑप्शन आ गई हैं फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर चेक करना चाहिए आपको. पैरेलल के केस में क्या होगा? इसकी डायग्राम भी देखें. सीरीज में जो डायग्राम होती है वो ये डायग्राम बनेगी. ये इसकी डायग्राम, देखिए एक एक एंड कनेक्ट है, दो दो एंड कनेक्ट नहीं है. इसको आप सी वन कह दें, इसको सी टू कह दें, इसको सी थ्री कह दें. ये हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन. डायग्राम भी मैंने आपको बता दी है. चार इन सब में क्या रहेगा? चार्ज सबको क्यू मिलेगा, जबकि वोल्टेज सबका, इसका वी वन, इसका वी टू और इसका वी थ्री. ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोथ एंड कनेक्टेड लिखा होगा, बोथ एंड कनेक्टेड यानी दोनों एंड जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अभी फर्ज करें कि मैं अगर इसको, ये डायग्राम है ना मेरे पास, ये सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज है ना, क्योंकि एक एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि यहां से उठा के यूं कर दूं इसको, फिर मैं इसको पैरेलल बना लूंगा ना, क्योंकि मैंने इसका ये एंड भी आपस में क्या कर दिया, उसको भी जोड़ दिया, ठीक है। तो जब आप दोनों एंड जोड़ देते हैं तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के ना फर्दर। बोथ एंड कनेक्टेड होगा, इसको आप यू भी कह सकते हैं, पैकेट का लफ्ज भी लिखा होता है, पैकेट का लफ्ज आ जाए तो पैरेलल समझा जाएगा, या आप इसको कह दे के नहीं बंडल का लफ्ज आ गया तो भी पैरेलल समझा जाएगा, ठीक है। जैसे देखें ना, आपके पास ये सिचुएशन है, एक ही है मार्कर और एक ही है, अगर आप इसको यूं जोड़ रहे हैं, ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन, ये एंड टू एंड है। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये देखें दूसरा एंड मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये दूसरा एंड भी मैंने जोड़ दिया है इसका, यहाँ से भी जुड़ गया, वहाँ से भी जुड़ गया आपस में, ये पैरेलल होगा। इसको यूं पकड़ लें तो ये इसको पैकेट भी कहते हैं, यूं इसको ग्रिप करना, ठीक है, एक पैकेट में आ गए ना ये, या इसको बंडल बना लिया आपने, तो ये पैकेट का लफ्स, बंडल का लफ्स और बोथ एंड कनेक्टेड का लफ्स, ये किसको शो करता है, पैरेलल को। ये हिंट्स होते हैं जिससे आंसर निकालेंगे आप, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं इसके। फिर इसके बाद अगर कैपेसिटेंस मैक्सिमम लिखा हुआ आ जाए, कैपेसिटर्स को इस तरह से लगाया कि कैपेसिटेंस क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, इसका मतलब उनको कैसे लगाया, उनको पैरेलल में लगाया होगा, फिर तो आपने उनको पैरेलल में लगा के ही फिर ऐड करना है, ठीक है। तो ये हिंट्स हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगी, चार्ज क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो ये इनके की पॉइंट्स हैं कि इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। अब एक सर्किट है जिसमें ना अक्सर स्टूडेंट्स को, वो याद तो रख लेते हैं इसको, कन्फ्यूजन जरूर होती है उन्हें, करिए ये पैरेलल में कैसे है। फर्ज करें कि ये तीन कैपेसिटर है, इनकी नेट कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सी सी और सी तीनों यूं लगे हैं जी, क्या हो गया, किस में, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, तो अगर तो आइडेंटिकल एंड सीरीज है, वैसे तो प्रॉपर फॉर्मूला होता है ना कि आप इनको यू ऐड करेंगे, यू ऐड करेंगे, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो। अगर आइडेंटिकल सीरीज हो, आइडेंटिकल एंड सीरीज हो, तो फिर आप इनको इतना डिफिकल्ट ना करें, फिर आप सिंपल एक फॉर्मूले पे जाए, सी सीरीज में लगे हुए सी बाई एन कह देंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लें। टोटल तादाद कितनी है, तो आंसर क्या होगा, सी बाई थ्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसका एक सर्किट और बना होता है इस तरह से कि वो, अभी तो ये सीरीज है, इन दोनों कैपेसिटर में कनेक्शन एक जगह पे होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए आपस में, तो एक ही है, देखें एक ही कनेक्शन है ना, तो ये किस में होंगे, सीरीज में। इन दोनों में देखें एक ही कनेक्शन है, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो चार्ज इन करंट फ्लो कराए ना, वैसे करंट तो डीसी करंट तो चलता नहीं, लेकिन चले करंट फ्लो कराते हैं वैसे सपोज करते हैं, तो वो रास्ता एक ही है, तो फिर चार्ज इन सब पे एक ही डायरेक्शन में एक जैसा चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे भी पता चलता है कि ये किस में, सीरीज में। अच्छा, मैं यहाँ से एक कनेक्शन उठाता हूँ, यहाँ से उठा के देखिए, इन दोनों में कनेक्शन कितना था, एक था, मैंने उठा के यूं कर दिया जी। आप मुझे बताएं कि इन दोनों के एक एंड जुड़ा हुआ है कि दो एंड जुड़े हैं, दो एंड जुड़ गए, दरमियान से तो एक जुड़ा हुआ ही है, ऊपर से भी मैंने इसको जोड़ दिया वायर दे के, ठीक है। ये दोनों किस में थे, हाँ, इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ,
ये देखे ना, ये एंड इसका इधर आ रहा है, उसका उधर जा रहा है, मैंने उधर से मिला दी। अब ये तीनों किस्में, ये अब तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका आंसर पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, वैसे डायरेक्ट ऐड करते हैं, और आइडेंटिकल पैरेलल हो तो सी पी इज इक्वल टू एन सी कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3C आ जाएगा। कन्फ्यूजन खत्म हुई कि पैरेलल का कैसे पता लगेगा और सीरीज का कैसे पता चलेगा, ठीक है। दो कैपेसिटर में एक जगह पे अगर एंड होगा, पॉइंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। उधर से उठा के मैंने जोड़ दिया, तो मैंने इन दोनों को पैरेलल बना दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, सीरीज पैरेलल। नेक्स्ट सेकंड, फर्ज करें कि ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, इसको आप एक्स कह दें, इसको आप वाई कह दें, वैल्यू दे देते हैं इसको, 10f कह देते हैं इसको, 10f कह देते हैं। ये आपके पास 5f, 10f, 10f, इसको मैं 20f कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बाज लोगों के जहन में आ रहा होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं आ रहा है, बड़ी बात है, क्यों नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज, कहां पे आपको लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्या होना चाहिए था, जैसे इस पाइप के साथ दो पॉइंट होने चाहिए ना इसमें, या तो ये यूं लगी हुई होती, जिन दो पॉइंट्स में फाइंड करना होता है उनके बीच में नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है, या फिर ये एक्स और वाई मैं इधर ले जाता, इसको हटा देता, तो फिर ये क्या था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है। या अगर एक्स और वाई यहां रहने दें, फाइव को यूं कर दें इस तरह से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अदरवाइज अब ये सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सर्किट कौन सा होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आंसर होगा, 20 आ रहा, बाकी लोग भी पता है 20। अच्छा, ये दोनों करंट चला के देखें आप, आसान तरीका होता है, हम कहते हैं करंट चला के देखें, करंट चलाएंगे ना दोनों में, करंट यूं चला लें, इनमें करंट सेम रहा, ये दोनों किसमें, करंट इधर भी जाएगा कुछ, करंट सेम हो तो क्या कहते हैं, सीरीज, और ये दोनों आइडेंटिकल भी हैं, आइडेंटिकल सीरीज में क्या करते हैं, सी बाई एन करते हैं, सी बाई टू करते हैं, डायरेक्ट फाइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों किस में, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में इनको भी डायरेक्ट सी बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब दोबारा एक सर्किट बनाए, ये आएगा सर्किट, ये आपके पास 5 और ये 10। अब ये तीनों किस में, पैरेलल में है, तो रेसिप्रोकल ऐड कर, 20f ये आ जाएगा, ठीक है। फर्ज करें कि ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, पहली बात ये बताएंगे क्या ये सिंपल सीरीज पैरेलल है,
ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अलग टेक्निक है, ऐसे अब हम कहते हैं कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा सकते हैं, ठीक है, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, तो इसके अलावा भी किसी तरीके से लगा सकते हैं, तो वो यही है ना, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से भी लगा सकते हैं। इसमें ना सीरीज का पता चलता है और ना ही पैरेलल का पता चल रहा होता है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आल्सो टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है सॉल्व करने की, ठीक है। तो पहली शर्त तो ये होती है कि इसमें पांच कैपेसिटर होते हैं, पांच ही लगे हैं, पांच ही है ना, वो कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जी के जिन दो में फाइंड करना है उनके बीच में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में अगर आ गया तो फिर वो सिंपल सर्किट हो जाएगा, सीरीज पैरेलल वाला, जैसे भी पहले एक सवाल भी किया हमने। तीसरी कंडीशन, हाँ, रेशो वाली बात, के ये जो आपने ये वाली बीच में लगाई है ना, इसके इधर और उसके इधर, इनकी रेशो की बात नहीं कर रहे हम, इसकी रेशो की बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं जो इधर लगा हुआ है उधर लगा हुआ है, इनकी रेशो C1 बाई C2 कर लें, इसको C1 कह लें, इसको C2 कर लें, 10/20 क्या आएगा, 1/2 आ रहा है। अच्छा, अब इनकी रेशो देखें, 1/2, इसका मतलब है इसको 3/4 कह लें, C3 C4, ये भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब फिर एक सवाल और भी बच्चे पूछते हैं कि अगर रेशो सेम ना आए तो फिर वो व्हीटस्टोन नहीं होगा और वो सवाल भी नहीं आएगा, फिक्र ना करें, क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है इस तरह का पोर्शन, वो हो जाते हैं सॉल्व, और भी बड़ी टेक्निक्स हैं इसमें, लेकिन फिर हमारे सिलेबस में देखें क्या डिस्कस हुआ है, सीरीज डिस्कस हुआ है, पैरेलल हुआ है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टॉपिक भी डिस्कस हुआ है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक करंट वाले चैप्टर में, वो इसलिए हम कहते चले उसको कम से कम। और फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का आया हुआ है, एक वो जो इससे पहले मैंने करवाया था कि पहले मैंने सीरीज में लगाए थे, फिर बीच में मैंने वायर दे के उसको पैरेलल बनाया, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, इसके मेडिकल के एंटी टेस्ट में आया हुआ है, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी आया हुआ है, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन। और यही दोनों क्वेश्चन रेजिस्टेंस में भी होते हैं, वहाँ पे भी यही टेक्निक है, चाहे इधर सीख लें चाहे उधर सीख लें, बात एक ही है, ठीक है जी। ये दोनों सेंटर वाला निकाल देना आप, कंडीशन सारी पूरी हो गई हैं, सेंटर वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं। वैसे हटाते क्यों है, असल में होता क्या है, यहां पे ना वोल्टेज सेम आ जाती है, इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज, और अब वोल्टेज सेम आए तो आपको पता है करंट फ्लो नहीं करता, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना इसमें करंट ही नहीं जाएगा, ये इनएक्टिव हो गया, ये हो या ना हो एक ही बात है, यानी कि इसको आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब ये रेशो सेम होती है ना तो यहां पर वोल्टेज सेम हो जाता है, तो सेंटर वाली निकाल देते हैं हम लोग। अब सिंपल सर्किट नहीं हो गया, सेंटर वाली निकाल दें अब तो मसले ही हल हो गया ना, करंट चला के देखें ना जरा, करंट को कैसे चलाना है, ए से चला के देखें, ए से चलाएंगे यहाँ जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ये दोनों किस में हुए, सीरीज में, फिर करंट को यहाँ से चलाएंगे इधर जाएंगे, ये दोनों किस में हुए, सीरीज में। इनका आंसर बताएं 10/20 का क्या है, सीरीज में क्या आएगा, 20/3, रेसिप्रोकल करना है ना इसका, हाँ जी रेसिप्रोकल करके ये आ रहा है जी 20/3, इनका रेसिप्रोकल करें, इनका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, इनका रेसिप्रोकल आएगा जी 40/3। अब आप इन दोनों को जमा कर लें, ये आ गया जी 20/3, ये आ गया जी 40/3, इनको आप ऐड कर लें, 20/3 40/3 ऐड कर लें, अब ये पैरेलल में है ना दोनों, ये आ जाएगा 60/ यही आंसर बना 20 आ रहा, ठीक है। तो पहले आप व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करेंगे है या नहीं, अगर है तो सेंटर वाली निकाल देंगे, वो निकालने के बाद तो सर्किट सिंपल सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे आप। इसमें एक जो क्वेश्चन आया था ना पास्ट पेपर में, वो इससे भी ज़्यादा आसान था, उसने क्या किया जी कि ये 10 दिया, ये भी 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया उसने, और सेंटर में भी 10,
आंसर बताएं क्या आएगा? 10 क्यों आएगा? 10 इसलिए आएगा कि सॉल्व करके देख लें, 10 आएगा। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये अगर सारे एक जैसे हो ना, पहली बात ये है कि 5 लगे हैं, दूसरी बात ये है कि जिसमें से फाइंड करना है उसके बीच में नहीं वो यूं लगा हो, तीसरी बात ये है कि इसकी रेशो और इसकी रेशो 1:1 आ रही है, तीनों बातें पूरी होगी। क्या करते होते हैं सेंटर वाले को, क्या करते हैं? रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये दोनों किस में? 5 आएगा। ये दोनों किस में? 5 और 5 किस में? पैरल में। तो 10 आंसर आ जाएगा। तो फिर जरूरत क्या थी सॉल्व करने की? अगर ये सारे एक जैसे हो, सेंटर वाला बेशक डिफरेंट हो जाए, ठीक है, अगर ये ब्रांचेस में जो लगे हुए आर्म्स में जो लगे हुए सारे एक जैसे हो तो इनका आंसर भी वही होगा जो इनकी वैल्यू। अगर ये सारे 10 10 है तो इनका आंसर भी क्या होगा? 10 ही होगा।